जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज का प्राप्त शर्त में हम लोग श्री चैतन्य चरितमृत का आदि लीला अध्याय 17 श्लोक संख्या 159 ओके दो श्लोक हैं तो आपका बोर्ड में एक लिखा है तो हम लोग दो श्लोक पर चर्चा करेंगे क्योंकि आप लोग पीछे छुड़े थे 168 से। तुम्हार वेदते आछे गोबधेर बाणी अतएव गोबध करे बड़ा बड़ा मुनि। उस काजी ने एक विद्वान के रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपकी वैदिक शास्त्र में गोबध का आदेश मिलता है तो इसी आदेश के बल पर बड़े बड़े मुनि गोबध वाले गोमेध यज्ञ करते थे। तो अभी आपका बोर्ड में लिखे अब दोहराइए। प्रभु कहे वेद कहे गोबध निषेध अतएव हिंदू मात्र ना करे गोबध। प्रभु कहे वेद कहे गोबध निषेध अतएव हिंदू मात्र ना करे गोबध। प्रभु कहे वेद कहे गोबध निषेध अतएव हिंदू मात्र ना करे गोबध। अनुवाद प्रभु कहे श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया वेदे वेदों में कहे कहा गया है गोबध गौ की बध निषेध मनाही
अतएव अतः हिंदू हिंदू मात्र मात्र ना नहीं करे करता गोबध गोबध। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की दला। श्रील प्रभुपाद की काजी के कथन की प्रतिवाद करते हुए महाप्रभु ने तुरंत कहा, वेद का स्पष्ट आदेश है कि गोबध ना किया जाए, अतएव कोई भी हिंदू गोबध करने से बचता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैदिक शास्त्र में मांस खाने वाले को कुछ छूट दी गई है। कहा जाता है कि यदि कोई मांस खाना चाहे तो उसे बकरे को देवी काली के समक्ष मारकर उसका मांस खाना चाहिए। मांस खाने वाले को दुकान या कसाई घर से मांस खरीदने की अनुमति नहीं है। मांस खाने वाले को जीव के स्वाद के लिए नियमित कसाई घर चलाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक गोबध का प्रश्न है, यह पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि गाय को माता माना जाता है, तो फिर वेद गोबध की अनुमति कैसे दे सकते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया कि काजी का कथन दोषपूर्ण है। भगवद गीता 18:44 श्लोक में ये स्पष्ट रूप में कहा गया कि गांव की रक्षा की जानी चाहिए, कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव वचम। वैश्य को कर्तव्य, वैश्यों के कर्तव्य हैं कृषि जात द्रव्य उत्पन्न करना, व्यापार करना तथा गायों की रक्षा करना। अतएव यह कहना गलत है कि वैदिक शास्त्र गोबध करने की अनुमति देते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाहम ददाति सोपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्त सज्जनवृंद, माताएं वरिष्ठ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु की ये विशेष लीला हम लोग पढ़ रहे हैं कि चांद काजी के उद्धार का प्रसंग ही है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुजाई ये फर्स्ट टाइम, पहली बार इतिहास में कि हड़ताल, आजकल तो बहुत प्रोमिनेंट है ना दिल्ली में आपका हड़ताल करने वाले बहुत, तो ये हड़ताल किए थे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु चांद काजी का जो आदेश का विरुद्ध में। लेकिन वो जो हड़ताल किए थे चैतन्य महाप्रभु, ये तो मनुष्य कल्याण के लिए किए थे, लेकिन आजकल कोई मनुष्य कल्याण के लिए नहीं हो रहा है हड़ताल, ये तो अपने के स्वार्थ के लिए, क्योंकि चांद काजी ने रोक रहा था कि वास्तविक जो जीव का धर्म है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान कृष्ण की हम लोग सभी नित्य दास है और उनकी सेवा में हम लोग को हमेशा अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए।
तो उसी वास्तविक जो नित्य धर्म है उसको विरोध कर रहा था चांदका जी। तो हम लोग देखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु क्यों इतना क्रोधित तो हुए थे और क्यों इतना बड़े दौर पर ये शोभा यात्रा निकाले थे चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि जो जीव का नित्य धर्म है उसको पालन करने के लिए किसी कोई रुकावट नहीं होना चाहिए किसको, क्योंकि तो स्वतः धर्म है भगवान की नित्य सेवा करना। तो चैतन्य महाप्रभु ये सिद्ध करना चाहते थे कि चाहे कोई भी कितने शासन में कोई बहुत बड़े आदमी हो तो उनको ये नहीं करना चाहिए कि जीव का नित्य धर्म को रोक दिया जाए उनको पालन करने से। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इतने बड़े पूरे हजार हजार अनुयायी को लेकर चांदका जी के विरुद्ध में ये शोभा यात्रा निकालते, जबकि ये वार्तालाप सुन रहे थे उसके पहले। तो चांदका जी जब देखा तो इतने सारे अनुयायी आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ हैं, तो भय में अपने घर में से छुप गया था। तो चैतन्य महाप्रभु गए फिर उनसे बात करें। तो अभी इनके कुछ शास्त्र आरोप हो रहे हैं, शास्त्र की चर्चा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमेशा जहां कहीं है किसको उद्धार करने के लिए, चाहे बचपन से बाल लीला में जैसे आप लोग केशव काश्मीर का हो, चाहे आगे चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेंगे प्रकाशानंद सरस्वती आदि इतने विद्वान पंडित हो, सभी को शास्त्र युक्त में हराया चैतन्य महाप्रभु ने। क्योंकि शास्त्र का एक सिद्धांत, हम लोग इस संसार में कई सारे युक्ति तर्क करते हैं लेकिन अपने मनोधर्म से बहुत सारे चीज जोड़ते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु यह शिक्षा नहीं दिया कि हमेशा शास्त्र के सिद्धांत का ऊपर ये होना चाहिए, जो युक्ति अपना तर्क कारण प्रतिष्ठा कर उसके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि तर्क ऐसे करते रहते तो बहुत सारे ये रहे होगा। बचपन में जब प्रकाश ये केशव काश्मीर को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनको हराए थे, सिंपल छोटा सा लॉजिक देकर हराए दिए थे, बहुत बड़ा विद्वान था, इतने सारे पंडित था, इसको तो सभी लोग तो डरते थे इसको हराने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने खाली क्योंकि छोटे थे उस समय में, उसमें ज्यादा फिलोसॉफिकल ये नहीं किए, बस खाली उनको बताया कि उसमें क्या, वो जो श्लोक आप इसमें क्या, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है, दोष और गुण क्या है। तब यहाँ हम लोग वही चीज देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु चांदका जी का इसमें वही शास्त्र का युक्ति दे रहे हैं। सर चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि ये शास्त्र में नहीं कहा गया है, कि शास्त्र जो है यहाँ श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं थोड़ा, कि शास्त्र जैसे माता है, माता की समान है, इसलिए वेद माता कहते हैं ना। जैसे कोई प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि जो जो कोई अपने पिता को पहचानने के लिए कोशिश करे तो माता ही सर्वोत्कृष्ट उपाय है, चाहे कितने आजकल आधुनिक युग में कितने सारे वैज्ञानिक पद्धति वो अनुसरण कर ले तो उसमें नाकाम ही रहेगा। एकमात्र माता है जो कि उनको प्रकृष्ट उदाहरण ये उत्तर दे सकते थे कि वास्तविक पिता कौन है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कि वेदों में ये वर्णित है कि आप जो कह रहे कि मांस खाना वेदों में वर्णन किए गए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि वास्तविक वेदों में ये मना किया गया, वास्तविक ये युग में जो कलि युग में हम लोग वास कर रहे हैं, आगे कहेंगे आप लोग पढ़ेंगे कि इसके तात्पर्य में, कि विशेष करके कलि युग में पांच चीज वर्जित हैं, जैसे क्योंकि गोवध और अश्वमेध यज्ञ कलि युग में यज्ञ करना वो संपूर्ण वर्जित है, क्योंकि ये युग धर्म नहीं है कलि युग में, लेकिन यज्ञ का नाम बहुत बड़ा बड़ा आयोजन हो रहा है आजकल, इसमें 1000 कुंडिया 1000 कुंडिया यज्ञ जैसे बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ दिल्ली साइड में तो पता नहीं,
हम जबलपुर साइड में रहते थे तो वहां तो ये फेमस है, यज्ञ करना बहुत प्रोमिनेंट है वहां, कर्मकांड ये तो इतना फेमस है, हर कोई आदमी हर दिन को यज्ञ चलता रहता है वहां पे। हम लोग नर्मदा के किनारे रहते थे, अभी छोटा आश्रम वहां पे बना है, वहां पे हम लोग देखते हैं कि हर कोई हफ्ता के बाद में एक यज्ञ होता रहता है वहां पे, बहुत प्रोमिनेंट है यज्ञ करना। लेकिन कलयुग में ये यज्ञ का फल नहीं मिलेगा वास्तविक ही, लोग कह सकते कि यज्ञ कर्म करने के लिए तो भगवान ने कहा है तीसरा अध्याय भगवत गीता में, यज्ञ कर्म समुद्भव अन्ना तो भवंति भूतानि, भगवान कह रहे कि यज्ञ कर्म आप कैसे मना कर सकते, कोई कोई आप बड़े बड़े पंडित है और विद्वान लोग कैसे ये कर सकते, लेकिन कौन सा यज्ञ कलयुग के लिए प्रयोज्य है वो उनको मालूम नहीं। कलयुग में एकमात्र संकीर्तन यज्ञ ही ये दिया गया शास्त्र में, जो वर्णन किए दिया है ये है एकमात्र संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति सुमेध दशा। जो लोग विद्वान व्यक्ति हैं वो केवल भगवान के नाम संकीर्तन कर सकते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो ये प्रेस्क्राइब्ड यज्ञ हैं जो शास्त्र में दिए गए हैं। और कोई कोई प्रश्न कर सकते, पहले तो जमाने में अश्व मेध यज्ञ करते थे और गो मेध यज्ञ करते थे, और कलयुग में उसको मना किया गया वो करने के लिए, पांच प्रकार का चीज वास्तविक अश्वमेध गवालंब्य संन्यास, संन्यास ग्रहण करना भी कलयुग में वर्जित हैं। और अपने पितृ का श्राद्ध का दिन में मांस आदि श्राद्ध इसमें देना पल पितृ का, और देववर्ण सूत्र अर्थात अपने भाई से छोटे भाई से पुत्र संतान उत्पन्न करना, क्योंकि शास्त्र में मना किया गया इसका कोई फल ये कलयुग में इसका ये नहीं रहा, क्योंकि इसको आधार करके बहुत सारे लोग क्या करेंगे कलयुग में उसका नाजायज फायदा उठाएंगे कलयुग में, इसलिए पर्टिकुलरली कलयुग के लिए मना किया गया कि ये सब बंद है करना, क्योंकि है तो कोई ब्राह्मण नहीं है इस युग में, पहले युग में ब्राह्मण थे इतने मंत्र उनकी शक्ति था, तो जो यज्ञ में आहुति देते थे जो जीव को, तो वो जीव क्या होता था नवजौवन प्राप्त हो जाता था उनको। लेकिन आजकल कहाँ कितने सारे यज्ञ हो रहे हैं, कहाँ तो बेचारा पशु ही मरता है, उनको कोई जीवन नवजौवन प्राप्त नहीं होता, उनके नूतन जीवन प्राप्त नहीं होता है इसमें, तो इसलिए कलयुग में ये पांच चीज वर्जित किया गया। ये दूसरे युग में ये युग धर्म था, कोई कोई बोल सकते थे ना, तो पहले जमाने में करते थे ऋषि मुनि लोग, जैसे अभी चांदका जी बता रहे कि आपके जो ऋषि मुनि लोग को बहुत सारे यज्ञ करते रहते थे, श्री श्री राधा पार्षद की जय, तो ये दूसरे युग के लिए ये शास्त्र में वर्णित था कि ये दूसरा युग के लिए, जैसे त्रेता युग के लिए विशेष करके त्रेता युग में यज्ञ करते थे हवन, और भगवान से स्वयं रामचंद्र ये यज्ञों को रक्षा करने के लिए विश्वामित्र के साथ गए थे, क्योंकि यज्ञ कर्म उसी जमाने में धर्म था, युग धर्म था, भगवान को पूरे साथ सुरक्षा देना ये कर्तव्य है। तो यहाँ पे फिर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि और कोई ये कर सकते थे, युक्ति कर सकते थे कि कोई जैसे मांस खाना किसी को, ये तो जैसे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में दिए कि यज्ञ में आहुति दे करें कोई पशु को खाने, क्या उसमें गलत है, कोई बोल सकता है ना, ऐसे प्रश्न तो बहुत सारे करते हैं। हम लोग यज्ञ में आहुति देते हैं, जैसे कलकत्ता में आप जाएंगे तो बहुत फेमस है दुर्गा पूजा टाइम में, वो लोग बोल रहे थे ये तो शास्त्र में दिए गए देवी माता के सामने बलि चढ़ाओ उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, ये प्रसाद है, वो लोग वैसे करते हैं। तो उसको फिर क्या कहेंगे आप, देवी माता को तो आप फिरेंगे, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में जी है, जैसे को मांस खाने का लालच है
तो उनको तो देवी माता काली के सामने अर्पण करके उसको फिर लेना चाहिए प्रसाद का रूप में। लेकिन उसकी तात्पर्य हम लोग समझना चाहिए वास्तविक, किसके लिए ये छूट किए गए हैं, ताकि वो जो जीव को बलि दे रहे हैं ताकि उसको भी नूतन जन्म मिले, नहीं तो खाली हम लोग को मांस खाने का लालच है इसलिए बस काट लिए जाते हैं, काट जाते हैं। और उसके हित के लिए भी सोचना चाहिए ना, जो भी प्राणी ये दे रहे हैं, जो बलि चढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते, दुर्भाग्यवश तो उसका हित में नहीं सोच रहे कुछ भी, हम तो अपने जीव का लालच में सोच रहे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, ये शास्त्र में इसलिए वर्जित किया गया कि कलयुग में ये पांच चीज नहीं कर सकते आप, और कोई उसका उपयोग करे तो उसका कोई लाभ ही नहीं होगा, उसको फल नहीं मिलेगा कुछ भी। तो फिर कोई कोई प्रश्न आप लोग कर सकते हैं कि इतने सारे सारे बड़े बड़े यज्ञ आयोजन कर रहे हैं लोग, तो उसका कोई फल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत उनको तो फल मिलता है रहता है, नहीं तो क्यों करते हैं फिर है? लेकिन जो वास्तविक ही उनके जो फल मिलना चाहिए, मनुष्य जन्म का जो असली फल है, वो प्राप्त नहीं होगा इस यज्ञ से। उनको कोई धन का कामना हो सकता है, कोई ये का कामना हो सकता है, कुछ राज्य का कामना प्राप्ति हो सकता है, कि अपने शरीर छोड़ने के बाद कोई उच्चतर लोक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य जो लक्ष्य है मनुष्य का वास्तविक, वो प्राप्त नहीं हो सकता उनको, ये यज्ञ कर्म जो कर रहे हैं। वास्तविक हम लोग को ये यज्ञ करना कर्म चाहिए कि वास्तविक जो कि मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य प्राप्त हो। अंतिम लक्ष्य क्या है, हम लोग को भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ये वास्तविक, क्योंकि यही है वास्तव धर्म है, जो कि चैतन्य महाप्रभु अभी सिद्धांत प्रतिष्ठा करना चाहते थे इनका जी का माध्यम से। अरे इसलिए चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े ये आंदोलन शुरू किए, संकीर्तन यज्ञ का आंदोलन शुरू किए, क्योंकि काजी रोक रहा था उसको पालन करने के लिए, जो कि नित्य धर्म है जीव का, वो प्राप्त नहीं हो सकता इस यज्ञ कर्म से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसी शास्त्र का आधार पर उसको खंडन कर रहे हैं। चांद का जी कहीं से कुरान से भी उदाहरण दे सकता था, कोई कोई क्रिश्चियन लोग को बाइबल से भी उदाहरण दे सकते थे, लेकिन उसमें क्लियरली मना किया गया कि दूसरे प्राणी को हम लोग हत्या नहीं कर सकते। कोई कोई आजकल देख रहे हैं कि बड़े प्रोमिनेंट टेररिस्ट है ना, जो लोग साउथ उस मिडिल ईस्ट कंट्री में उस साइड में, वो लोग तो बहुत शास्त्र का भी ये देते हैं कि टेररिस्ट किसी को मारने से हम लोग तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगा, सो विल एंजॉय विथ वर्जिन गर्ल्स देयर सेइंग। हम गए थे उसी कंट्री में अभी, तो वहां पे कह रहे थे लोग कि ये लोग का ये धारणा है कि वो बोल रहे कि नहीं, हमारे कुरान में तो ये लिखा गया कि हम लोग किसी को मारेंगे तो मारने से हम लोग तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगा, वहां पे बहुत सारे एंजॉयमेंट हमको मिलेगा, तो आप इस संसार में क्यों दुख पा रहे हैं, इस संसार को ये करना चाहिए। इनको देखिए कितना शास्त्र का कितना नाजायज फायदा उठा सकते हैं आदमी। तो इसलिए पहले ये कलयुग का पहले भगवान बुद्ध बनाए, इसलिए प्रभुपाद के एक लेक्चर हम सुन रहे थे वृंदावन में, प्रभुपाद दे रहे थे पहले, इसलिए भगवान बुद्ध आके ये शास्त्र को पहले निंदा किया, इसलिए कलयुग का प्रारंभ से, क्योंकि शास्त्र का नाम पर कितने भी सारे लोग, चाहे खाली हिंदू धर्म का अवलंबन करने वाले नहीं है, दूसरे दूसरे धर्म का अवलंबन करने वाले भी उनकी शास्त्र का उपमा देंगे, कहेंगे कि हमारे शास्त्र में तो ये लिखे गए, लेकिन वास्तविक शास्त्र में ये नहीं लिखे गए हैं, वो तो अपने इंटरप्रिटेशन ही वो लोग कर रहे हैं, अपने मनमानी ये करके कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध भी आके बोले कि नहीं, ये शास्त्र मानना छोड़ दो आप, नहीं तो भगवान क्यों कहते शास्त्र, भगवान तो शास्त्र, भगवान भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वेद में का अंत है मेरे को जानना, वेदांत विद वेद विद्याम, क्यों वही भगवान आके मैं ये वेद को क्यों खंडन किया आके, क्योंकि जानते थे कलयुग के लोग के लिए ये ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशन, वो अपने मनोधर्म बहुत सारे जिसमें जोड़ेंगे।
तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आगे कहेंगे कि वास्तव में कि वेद में ये शास्त्र में ये वर्जित है, ये पांच यज्ञ करना ये दूसरे युग में करते थे, आपको इसी युग में नहीं करना चाहिए ये यज्ञ का, इसमें यज्ञ का कोई फल ही नहीं मिलेगा फिर इस युग में। तो इसलिए हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि वास्तविक किसी को हम लोग कई कई सारे हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं, बहुत सारे भक्त यहाँ से, तो बहुत सारे तरीका के लोग मिलते हैं हम लोग को, अजब अजब लोग मिलते हैं। अब रास्ता में जाते हैं कितना किम्भूत किमाकार प्रश्न पूछते हैं कभी कभी। आप हरे कृष्ण वाले कोई के बोलते हैं कि आप यू आर डिस्क्रिमिनेटर, जैसे पिछले बार हम लोग को चाइना जा रहे थे उस टाइम एक चाइनीज जेंटलमैन हमारे पास बैठे थे, वो बोले कि यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग फूड जो यू आर हरे कृष्ण पीपुल, तो उसको कैसे जवाब देंगे आप बताइए। तो वो बोल रहे कि खाना में कोई ये अंत भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो भी आपको मिले वो खा जाना चाहिए। हमको तो ज्यादा उनको ये नहीं बोले, तो हम उनको बोले कि आप सपोज ही वॉज टेकिंग नॉन वेजिटेरियन, वो नॉन वेज खा रहे थे, हम बोले कि आप ये क्यों खा रहे, पत्थर में ईट क्यों नहीं खा रहे हैं, वो भी मिलता है आपको, वो भी खा सकते थे ना, लेकिन आपको खाना चाहिए ना, खाना खाने के लायक होना चाहिए तब जाके आप खा रहे हैं ना, उसका मतलब नहीं आप जो चाहें वो खा लेंगे। अफकोर्स चाइनाज में तो वैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो उड़ते हैं खाली एरोप्लेन को छोड़ के सब खा लेते हैं वो लोग हैं, उड़ने वाले वो तैरने वाले खाली जहाज इसको छोड़ के बोट को छोड़ के बाकी सब खा लेते हैं तैरने वाले पानी में, और रास्ता में जो आते हैं ना प्राणी कार मोटरसाइकिल इसको छोड़ के बाकी सब खा लेते हैं वो लोग। तो उनका कोई डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि ही वॉज ऑल्सो फॉलोइंग सम रिलीजन, वो आदमी जो बैठा था हमारे पास वो भी कोई धर्म का अनुयायी है, वो बोला तो इसमें तो खाने में तो ये नहीं रखना चाहिए आप, लेकिन उनको ये बात का गलत महसूस हुआ क्योंकि ये भी शास्त्र में वर्णन है खाना में कोई ये नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसको वो क्या समझा कुछ भी मिले खा जाए, लेकिन हम लोग को ये देखना चाहिए कि खाना में हम लोग को भगवान का अर्पित हो प्रसाद खाना चाहिए, और प्रसाद जहां भी मिले उसको ये नहीं देखना चाहिए कि कब का हुआ, काल का हुआ, परसों का हुआ है, प्रसाद को ये करके, और जो भी जिस समय जितना प्रसाद में कभी थोड़ा मिले कभी ज्यादा मिले इसमें संतुष्ट रहना चाहिए, वो ही उसका वास्तविक मर्म है अर्थ है, लेकिन वो कैसे संभाल कर रहे उसको देखिए, बोले कुछ भी मिले तो उसको खा जाए, वही जो आलसो फॉलोइंग एक धर्म रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे कई कई सारे लोग आपको मिलेंगे जब प्रचार में जाएंगे बाहर, तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब प्रश्न पूछेंगे। तो इसलिए भगवान बुद्धदेव प्रभुपाद बोले कि भगवान बुद्धदेव ये शास्त्र को निंदा करके बहुत बड़ा उपकार किए इन लोग के लिए, कलयुग के लिए, नहीं तो कुछ भी कर सकते थे उस टाइम में, चाहे शंकराचार्य आए उसके बाद मायावाद फिर वेद को प्रतिष्ठा किए, लेकिन भगवान बहुत बड़ा कल्याण किए इसे, नहीं तो अब तक भी वो पद्धति चलता आ रहा था, लोग ऐसे करके गाय ये को यज्ञ में ये हवन करके खाते रहते थे, बचा लिए भगवान बुद्धदेव आके, इसको कम से कम इसको मारना तो छोड़ा कम से कम। तो इसलिए हम लोग देखना चाहिए कि वास्तविक जो शास्त्र हमारे लिए प्रयोज है, और हम लोग के वास्तविक इसी उसी युग में हम लोग चल रहे हैं उसी युग के लिए क्या शास्त्र का नीति नियम है उसको ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र में बहुत सारे चीज दिए गए हैं जो हमारे लिए जो चीज नहीं हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते, जैसे आप लोग कोई दवाई खाना जाते हैं दवाई खरीदने के लिए, दवाई खाना में तो बहुत सारी दवाई है, इसका मतलब नहीं आपके पूरे दुकान से खरीद के लाते हैं, आपको जो दवाई चाहिए आपका रोग को उपशम करने के लिए वही दवाई आप खरीद के लाते हैं ना, नहीं दवाई के लिए भेज दिए तो जाके दुकान सर जाके मूल ये करेंगे आप, ऐसे करते हैं क्या जाके, वो जो प्रेस्क्राइब्ड है आपके लिए जो प्रेस्क्रिप्शन में लिया गया वो पर्टिकुलर दवाई आपको चाहिए, और वो भी दवाई फिर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर,
तो डॉक्टर ने जैसे आपको बताया उसी हिसाब से, इसलिए ये कली युग में शास्त्र में हमको जो दिए गए बताए गए जो युग धर्म क्या है, और उसी युग धर्म को जो डॉक्टर रूपी जो श्री गुरु ने बता रहे हैं, साधु संत महात्मा लोग जो बता रहे हैं, उसी को आज इट इज भी पालन करना चाहिए, नहीं तो उसका फायदा भी नहीं मिलेगा, हमको फल नहीं मिलेगा उसका, उसको आज इट इज नहीं फॉलो करेंगे तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उसके ऊपर बल बर ये चांद का काजी के शिक्षा में ऐसे नहीं है कि चांद काजी को भगवान ने ये कर रहे थे, वो तो भगवान के सानिध्य पा लिया तो उसको जाना तो उसको तो हो गया, ये उनको तो कंप्लीटली ये प्राप्त हो गया, इसी संसार से मुक्ति प्राप्त हो गया, लेकिन ये आने वाले पीढ़ी हमारे लोग के लिए ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, हम लोग को इसको कैसे पालन करना चाहिए, क्यों महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ये शास्त्र सिद्धांत का ऊपर ये दे रहे हैं। और प्रभुपाद अपने तात्पर्य में थोड़ा सा ये दिए कि वेद है अपने माता है, ऐसे आप लोग जानते हुए ना, सात प्रकार का माता है नहीं, आत्मा माता, गुरु पत्नी, राजपत्नी, ऐसे ऐसे करके सात माताएं हैं, तो ये वेद माता है, इसलिए वेद माता श्रुति को एक माता के रूप में हम लोग जान, तो माता कैसे बोलेगी कि नहीं ये गलत तुम्हारा पिता है, तो प्रभुपाद वही इनके तात्पर्य कह रहे हैं, माता कभी नहीं बोल सकती है कि दूसरे आदमी को ये तुम्हारा पिता है, जो ओरिजिनल पिता है उसको बोल सकती है कि नहीं यही तुम्हारा पिता है, वो कभी गलत नहीं बोल सकती, 100% उन्हीं की कथा का ऊपर वचन का ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हाँ कभी कभी हमारा समझ में गलत आ सकता है, उसका मतलब नहीं है कि माता ने गलत बोल दी, जैसे वेदों में वर्णित है ये करना है मांसाहार करना है इस यज्ञ करने के, लेकिन हम लोग क्या करें, अपने इंद्र जैसे प्रभुपाद बता दिए कि अपने तात्पर्य कहे नहीं मांसाहार के लिए भी ऐसे काटना है पशु को, और प्रभुपाद अपने तात्पर्य फिर एक बार दोहरा रहे हैं कि जबकि भगवान ने प्रतिष्ठा की है भगवद गीता के माध्यम से कृषि गोरख्य वाणिज्य ये वैश्य का धर्म है, तो उसी गो रक्षा कृषि इसको कैसे भगवान कह सकते नहीं कि गोबध कर दो उसी वेद के माध्यम से, वेद ही भगवान के स्वरूप है ना, जो भगवान अभी भगवत गीता में कह रहे कि नहीं कि इसको प्रोटेक्शन करेंगे उसको सुरक्षा देना एक श्रेणी का कर्तव्य है, तो उसी वेद में कैसे भगवान कह देंगे नहीं उसको काट लो खा लो, तो ये विरुद्ध हो गया ना, वास्तविक विरुद्ध नहीं है उसमें, हमारा समाज में विरुद्ध है, विरुद्धाभास है, क्योंकि हम लोग जो है हमारा डुअलिटी हमारा मन में है, वेद में कोई डुअलिटी बात नहीं कहा गया है, कि कोई भी शास्त्र में द्विविधात्मक बात नहीं कहा गया कहीं से, इसको जो पढ़ रहा है जो समझ रहा है उसको द्विविधा है वो, क्योंकि वो प्रॉपर सोर्स नहीं जाए चाहे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कही इवम परंपरा प्राप्त इवम राजस्व विदु सकाल न महत जोग नष्ट परम तप, भगवान ने क्यों जोर दिया परंपरा माध्यम, क्योंकि उसकी माध्यम से हम लोग जब शास्त्र को पढ़ेंगे तब जाके हम लोग समझ सकते हैं वास्तविक शास्त्र का मर्म क्या है, सार तत्व क्या है, नहीं तो कोई भी शास्त्र आके बोल सकता है हम लोग बोले कह रहे तो बहुत अच्छा कह रहे हैं ये तो पूरा इतना ये कर रहे हैं, वास्तविक सभी शास्त्र भी शास्त्र का ज्ञान नहीं रख सकते, वो लोग बहुत बड़े पंडित है अपने संस्कृत में किसका बहुत बड़ा ज्ञान होगा इसमें ये होगा वो पढ़ सकते हैं वेदों का बहुत सारे ये कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वेद का मर्म समझ गए और सारांश समझ गए, तो इसलिए जब केशव काश्मीर चैतन्य महापुरुष निमाय पंडित से हार तो उसी रात में उनके सरस्वती ने वही बताए थे, जब वो प्रार्थना किया कि मेरा हार कैसे हो सकता है, स्वयं आप ही मेरे पर इतने प्रसन्न है और आप स्वयं वाग्देव भी है इतने प्रसन्न है सब कुछ आपसे ये दिए,
लेकिन सरस्वत जी बोले तुम भूल कर रहे हैं, इसलिए यहीं से मैं वास्तविक सब कुछ नहीं हूं। इतने बड़े पंडित देखिए, वो सरस्वती माता को सब कुछ समझ रहा था, उनसे बड़ा तो पंडित नहीं हो सकता कोई भी संसार में। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि नहीं, वो शास्त्र जो कुछ जानता है वो सब कुछ जानता है, वास्तविक क्या नहीं नहीं जानता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरे के उनकी लीला में आप देखेंगे, विशेष करके जो अनुजाई है हम लोग चैतन्य महाप्रभु का अभी ये कर रहे हैं, उनके लिए पूरे हर स्टेप में चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए। तो हम लोग किसी को भी कैसे मान सकते ना कि यही जो कह रहे हैं कि वो ठीक है। और कोई कोई बोलता कि यार इतने तो इनका तो इतना हजार लाखों अनुजाई है, वो भी ठीक बोल सकते हैं, लोग जाते हैं उनके पास भी, लेकिन कैसे मान सकते हैं वो ठीक बोल रहे करके। हजार लाख किसी को वोट दे दिया, उनको नेता बना दिया, वही जो बोलेगा ठीक ही है। इसलिए इसलिए भगवान ने ये सिद्धांत दिया भगवत गीता में कि परंपरा में नहीं आने वाले कोई भी आदमी, कितना भी पांडित्य हो, उसको हम लोग को नहीं मान सकते गुरु और इसके रूप में, साधु का रूप में उसको नहीं मान सकते। भगवान इसलिए कहा कि साधु का भी निरूपण दिए भगवत गीता में कि वास्तविक साधु रहे भाई, मंतव्य भगवान ने खुद बोल रहे कि कौन साधु है वास्तविक। तो हम इसलिए हम लोग को देखना चाहिए कि वास्तविक ये जो शास्त्र में दिए गए, शास्त्र में तो भगवान ने दिए हैं बहुत सारे चीजें, लेकिन हमारे लिए क्या प्रयोज है, हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, ये केवल साधु संत महात्मा ही वो जानते हैं, और जो विशेष करके पारंपरिक प्रमाण परंपरा में आते हैं वही केवल जान सकते दे सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं जानता, चाहे बहुत सारे आदमी हो सकते हैं। इसलिए हम लोग वास्तविक जब वैदिक शिक्षा लेना चाहते हैं और लेने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए वैदिक शिक्षा कैसे हम लोग ये करना चाहिए, प्रॉपर सोर्स ढूंढना चाहिए, वास्तविक किसी से जाके हम लोग क्या प्राप्त करते थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का इस लीला में हम लोग देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु तो चांदका जी को उद्धार कर रहे हैं, लेकिन चांदका जी का माध्यम से हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं वास्तविक। और जो लोग भक्त नहीं है तो उनके लिए तो वास्तविक कहीं ना ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो जानते नहीं, वो लोग कसाई खाना खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन वास्तविक जो अनुजाई है उनके चैतन्य महाप्रभु के विशेष करके, उनको ये चीज पर बहुत दृढ़ ये रखना चाहिए। सारे संसार के लोग कुछ भी करें, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं, हमारा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जो बैरियर में बैरिकेड दिए गए प्रभुपाद की कृपा से, हम लोग इसी का अंदर जब आते हैं तो हम लोग का इसलिए वैकुंठ लोग कहे कि प्रभुपाद कहे वर्णन किए, तो हम लोग कंप्लीटली संपूर्ण रूप में वैकुंठ का जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। और वैकुंठ करके किसे, वैकुंठ प्रिय दर्शन, जो प्रिय है वैकुंठ के, जो आचार्य हैं, साधु गुरु हैं, उनकी मार्ग पर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को जान सकते हैं। फिर अदरवाइज क्या, कभी कभी ऐसे ऐसे लोग आके हम भटकाएंगे, कभी कभी हम लोग जाते रहते हैं, तो फिर हम लोग क्या कह रहे, ये तो सही कर रहे हैं, इसमें तो वेद में ये दिया गया, उसमें वो दिया गया, ये पुराण में ये दिया गया, वो पुराण में ये दिया गया, हम लोग कितने कितने पुराण पढ़ के ये करेंगे। बस इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि ज्यादा सब पुराण पढ़ने का हरे कृष्ण भक्त इसका डिवोट के लिए जरूरी नहीं है, भगवत गीता भागवतम ज्यादा से चैतन्य चरितमृत, इसमें पूरे शास्त्र का वेद का निचोड़ वस्तु है, और भागवत में तो है उसकी निचोड़ वस्तु है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे से बहुत सारे भ्रांतिकर चीज आएगा दिमाग में। तो हम लोग एक बार वृंदावन में थे, एक भक्त हमारे साथ गए थे गिरिराज परिक्रमा करने के लिए, वो नया नया भक्त आए हुए थे, 5-6 महीना थे, तो उसके पहले कोई बनारस में जाके संस्कृत पंडित पढ़ रहे थे पढ़ते थे,
तो वो क्या हुआ, जब हम लोग गिरिराज परिक्रमा कर रहे थे तो उनका मन में कुछ ऐसे विचार आ गया, जबकि वो छोड़ छाड़ के आके पूरे हर मंदिर में है, इस्कॉन मंदिर में ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं, तो उनका मन में विचार आ गया कि प्रभु जी ये तो हम सुने थे इसमें तो ये सब नियम कानून है, ये दिए गए वो दिए गए, अरे इस्कॉन में तो ऐसे कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वेदों में तो वर्णित है कि ब्रह्मचर्य रहने के लिए हम लोग को उबला हुआ खिचड़ी खाना चाहिए बिना नमक और बिना हल्दी का है बनना, आप पढ़ते हैं तो आपको डर लगेगा ना है वास्तविक जी वर्णन है क्योंकि ब्रह्मचर्य हो तो इंद्रिय स्वयं है, हमारे इस्कॉन में तो फीस्टिंग हो रहा है हर दिन, ये कैसे गया ये है। तो उनका मन देखे संदेह आ गया, जबकि आगे 6-7 महीने ऑलरेडी ज्वाइन किए इस्कॉन में, उनका मन में संदेह आ रहा है कि नहीं ये हरे कृष्ण भले फॉलो नहीं कर रहे, पढ़ रहे वैदिक स्क्रिप्चर, उनका मन में ये संदेह आ गया। लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि वास्तविक वेद का निष्कर्ष क्या है, उबला हुआ खिचड़ी खाने से बिना नमक और बिना हल्दी से खाने से इंद्रिय संयम नहीं हो जाएगा, भगवान कह दिया भगवत गीता ने ना, क्योंकि ये इंद्रिय इतने बलवत्तर हैं चाहे आदमी कितने भी सारे बलशाली हो उसको काबू करने के लिए फिर भी हवा का झोंका जैसे ये फेंक के जाएगा, बादल को जैसे फेंकता रहता है और नाव के तैरने वाले नाव को जैसे हष्ट पृष्ट कर देता है। तो ये से कैसे हम लोग कह सकते कि ये इंद्रिय संयम से हम लोग ये कर सकते, लेकिन उनको ये डाउट आ गया इसको प्रश्न में। और कई कई संस्था आप लाएंगे तो हरिद्वार में इसमें संस्था हैं बहुत सारे, वो ब्रह्मचारी जो है वास्तविक उनका जो जीवन यापन करते हैं तो उनको वही मिलता है खाना सुबह का, बिना नमक बिना हल्दी का खिचड़ी तो इसलिए हम लोग को देखना चाहिए कि वास्तविक शास्त्र में क्या कहे गए भगवान ने, क्योंकि जब इसको प्रॉपर सोर्स से हम लोग प्राप्त नहीं करेंगे तो ऐसे ही फिर गलत इसको गलत इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए चांद का जी तो वास्तविक की देख रहे, तो वास्तविक की जो शास्त्र का मिस इंटरप्रिटेशन करने का कैसे तरीका है इसका एक उपमा दे रहे हैं वास्तविक, वो जो अपनी जुक्ति कर रहा था काजी ने, बोले कि आपका वेद में तो ये दिया गया और बहुत बड़े 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 पंडित भी कर रहे थे, मुनि लोग ऋषि लोग कर रहे थे पहले, आप कैसे मना कर रहे हैं, आप तो उनसे बड़े नहीं हो सकते, आप तो अभी निमाई पंडित होकर अभी पैदा हुए, आप कैसे उनको इनकार कर सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं वास्तविक हम लोग वैदिक स्क्रिप्चर वैदिक शास्त्र का जो नित्य वाणी है जो कि शिक्षा है उसको कैसे प्रॉपरली हम लोग समझ सकते हैं और बिना कोई खंडित हुई है, क्योंकि खंडित हो गया तो भर गया फिर, और उसका हम लोग प्रॉपर उसका जो वास्तविक रिजल्ट है वास्तविक उसका नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए भगवान की उपदेश हम लोग को पालना करना चाहिए, उसको भगवत गीता में भगवान ने कहा है और कैसे भी करना चाहिए वो भी भगवान ने बताया भगवत गीता में, तो जब हम उसको पालन करेंगे तो हमारे जीवन का मार्ग अवश्य ही हम लोग प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। कोई मन में किसका प्रश्न है? और कोई गलत है तो उसे सुझाओ कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे कोई क्वेश्चन है? हरिओम। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिसे आपने भी बताया था, काली जी को भोग लगाते हैं, बोलते हैं काली जी का प्रसाद है मांस को, तो एक श्रील प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन है उसमें मैंने सुना था, मैं बताना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि प्रभुपाद, कई लोग जो कलकत्ता में ऐसे काली जी को भोग लगाते हैं तो प्रसाद खाते हैं काली जी का, तो उसमें क्या गलत है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये काली जी जो हैं, जो दुर्गा जी जो हैं वैष्णवी हैं और शिव जी वैष्णव हैं,
वैश्वानम यथाशंभु, तो वो तो खाते नहीं हैं, और जो शिव जी के जो अनुयायी हैं भूत पिशाच वो खाते हैं, तो उनका प्रसाद होता है, ये भूतों का प्रसाद होता है, तो भूतों का प्रसाद जो खाएंगे वो भूत जैसा उसका चेतना हो जाएगा। तथा श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। हरे कृष्ण। धन्यवाद बहुत बहुत श्रील प्रभुपाद की, ऋषि चैतन्य चरितामृत की, श्री चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व की, सामवेद भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे, बहुत बहुत धन्यवाद सब, आप सबको। हरे कृष्ण।